जय हिंद दोस्तों। अभी अभी इक्वल एमएसपी पर कोर्ट में सुनवाई हुई, आज सुनवाई हुई है, ये बिल्कुल कंफर्म हुआ है और बहुत ही अच्छी बहस चली। बता दें दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी पर सुनवाई हो रही थी और बता दें कि नई बेंच बैठी क्योंकि दो जो जज थे वो रक्षा मंत्रालय या सरकार के दबाव, किसके दबाव में उनको चेंज किया गया, और बता दें वो चेंज होने के बाद फिर दोबारा सुनवाई हुई, एक तरफ से शुरुआत किया गया, यानी कि जो हमारी तरफ से पहले दलील दे दी गई थी JCOR की तरफ से वो फिर कैंसिल होके फिर दोबारा एक तरफ से सुनवाई हुई। और बता दें जो पहले संजीव सचदेवा जी और मनोज जैन जी की बेंच थी वो कैंसिल होके अब दूसरी बेंच ने सुनवाई की। बता दें एक समान मिलिट्री सर्विस पर पेपर फाइनल हियरिंग हो चुकी है। अभी अभी जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वीर बहादुर साहब ने जानकारी दी है, केस का सीनियरिटी नंबर 9 था जो कि आज सुनवाई होने का नंबर 9 था और सुनवाई हुई। बता दें भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का पक्ष अभी नहीं रखा गया है क्योंकि पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें दूसरे जज सुनवाई कर रहे थे, अब नई बेंच बैठी है तो नई बेंच एक तरफ से यानी कि एक तरफ से फिर सुनवाई शुरू की है जिसमें जवानों की तरफ से एडवोकेट निदेश गुप्ता जी ने अपना पक्ष रखा। लगभग 30 मिनट तक उन्होंने अपना पक्ष रखा, जो पहले दलीलें रखी गई थी वही दलीलें फिर रखी गई, यानी कि JCO जवानों की तरफ से वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से सुनवाई आज पूरी हुई है और बहस बहुत ही अच्छी रही, ये जानकारी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने दी है। बता दें दोनों जजों की बेंच चेंज हो गई थी इसलिए नई बेंच में सुनवाई अब एक तरफ से शुरू हुई है और बता दें कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 अप्रैल को दी है जिसमें अधिकारियों की तरह रक्षा मंत्रालय की तरफ से अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे और उस सुनवाई में 16 अप्रैल को 3:30 बजे का टाइम दिया गया है। बता दें एक समान मिलिट्री सर्विस पे पर सभी को इसका फायदा मिलेगा, JCO जवान अधिकारी सभी को बराबर का इसमें केस किया गया है और अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी जो कि अधिकारियों की तरफ से दलील रखी जाएगी। निदेश गुप्ता जी ने कहा है कि केस हमारे पक्ष में ही आएगा, भले सरकार कितने भी अड़ंगे लगा ले, लेकिन हम केस जीतेंगे। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।